नेक्स्ट इज साइन रूल ऑफ ए ट्राइंगल। छोटा सा रूल है और हमारे लिए मतलब ज्योमेट्रिकली काफी इंपॉर्टेंट रूल है। हमारे काफी सारे सवाल जो हैं वो इस रूल के ऊपर हो सकते हैं, काफी सारे सवालों के अंदर ये रूल लग सकता है, सो हमें बढ़िया से आना चाहिए। पहले तो मैं इस बात को स्टेट कर रहा हूं कि एग्जैक्टली ये साइन रूल कहां से आया। मान लीजिए कि आपके पास कोई ट्राइंगल है इस तरह से और इसके तीनों एंगल्स इस तरह से हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। ऐसे अल्फा के सामने वाली साइड है ए, बीटा के सामने वाली साइड है बी लेंथ की और गामा के सामने वाली लेंथ है सी लेंथ की। ठीक है, मैं एक बार छोटा सा प्रूफ कर रहा हूं। यहां से ना एक परपेंडिकुलर खींच दीजिए, ठीक, इस परपेंडिकुलर में बात पी कह रहा फिर ना साइन अल्फा को आप बड़े आराम से लिख सकते हो। इस छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में साइन अल्फा कैन बी रिटन एज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर तो पी हो गया और हाइपोटेन्यूस आपका बी हो गया, फेयर एनफ। इसी तरह से साइन बीटा लिख लीजिए, साइन बीटा इज, इसके लिए परपेंडिकुलर तो पी ही है लेकिन आपका जो हाइपोटेन्यूस है वो ए लेंथ का है, तो आप कह सकते दैट इज पी अपॉन ए। दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा, डिवाइड किया तो पी से पी कैंसिल, ए ऊपर आ गया बी नीचे आ गया। जैसे हमने अल्फा और बीटा को रिलेट किया वैसे हम बीटा और गामा को भी रिलेट कर सकते हैं और गामा और अल्फा को भी रिलेट कर सकते हैं। फाइनली रूल ये आता है कि साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा और साइन ऑफ गामा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। मैं ऐसे कह दूं कि साइन अल्फा is to sine beta is to sine gamma is actually a is to b is to c। ये ऐसे कह दूं a upon sine alpha is equal to b upon sine beta is equals to c upon sine gamma is some constant which I don't know, but ठीक है मेरा ऐसे काम चल जाएगा। ए अपॉन साइन अल्फा बी अपॉन साइन बीटा और सी अपॉन साइन गामा की वैल्यू सेम होगी। मतलब किसी भी ट्राइंगल की साइड की जो लेंथ है वो साइन ऑफ सामने वाला जो एंगल है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा रूल है ये हमारा, साइन रूल हो गया या साइन लॉ हो गया जो आपको काफी काम आ सकता है जगह जगह, ये हमारे काम आ सकता है। आई होप इट्स ओके। इस बात पे एक छोटी सी आपसे बात पूछ लेते हैं, मैं इसे मिटा रहा हूं। आपको एक पॉइंट याद रखना है कि साइन रूल एग्जैक्टली है क्या, इसमें कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए। इसके यूजेस हम ऑफकोर्स जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें साइन रूल के क्या क्या यूजेस आ सकते हैं वो हम बारी बारी से देखेंगे, कई बार आएंगे देखेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ऐसे, ये ट्राइंगल है, ये वाला एंगल गिवन है हमें 30 डिग्री, ये वाला एंगल भी बड़ा आपको गिवन है दैट इज 30 डिग्री और ये वाला जो एंगल है ये एंगल ऑफकोर्स 120 आएगा। मैं से एग्जांपल कह रहा हूं, ईएक्स स्टैंड्स फॉर एग्जांपल। अब हमें ये बता रखा है कि ये वाली लेंथ जो है ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है। हमसे पूछा गया कि ये लेंथ कितनी है, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये लेंथ कितनी है क्वेश्चन मार्क लगा दिया। मैं तो वैसे सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके फिर सॉल्व करें। चलिए और कोई खास ज्योमेट्री लगाए बिना ही इसको सॉल्व करते हैं, हमें तो साइन रूल पढ़ा है, हम तो साइन रूल से सॉल्व करेंगे। तो साइन रूल सेज दैट 10 मीटर अपॉन साइन ऑफ उसके सामने वाला है दैट इज 120, That should be unknown. इस unknown को एक बार के लिए x मान लेता हूं। हालांकि ये 30 डिग्री के सामने अगर x लेंथ है तो इस 30 डिग्री के सामने भी ये लेंथ भी कितनी होनी चाहिए x। अगर ये दोनों एंगल सेम तो इनके सामने वाली लेंथ भी सेम, तो लिख दू दैट इज x अपॉन साइन ऑफ 30। वेरी गुड, हो गया मेरा काम। तो 10 मीटर अपॉन साइन 120। आई रियली होप कि आपको साइन 120 की वैल्यू याद होगी, मैंने आपको क्लास में बता रखी है
कि साइन 120 की जो वैल्यू है वो हमने निकाल रखी है रूट थ्री बाई टू आएगी। साइन 120 की वैल्यू रूट थ्री बाई टू आएगी। अगर आपको नहीं याद तो मैं आपको फिर से रिपीट करा सकता हूं कि साइन 120 हम लोग कैसे निकाला करते थे। साइन 120 कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 30। ये 1 ऑड है इसलिए साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा कॉस। इन सबको भूल जाओ, सिर्फ 30 लगा दो। प्लस 9 प्लस माइनस हम लोग कास्ट रूल से दर्ज किया करते थे। 120 डिग्री जो है वो आपके सेकंड क्वाड्रेंट में आया करता था और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन हुआ करता था पॉजिटिव। आई रियली होप यू डू रिमेंबर दैट। और कॉस 30 की वैल्यू वी नो इट वेरी वेल, दैट इज रूट 3 बाई 2। दैट मस्ट बी इक्वल्स टू एक्स अपॉन साइन 30। साइन 30 कम्स आउट बी हाफ, 2 से 2 कैंसिल हो गया और एक्स को सॉल्व करते हमारे पास वैल्यू आ गई है 10 अपॉन रूट 3 मीटर। ये जो लेंथ है ये आपकी 10 अपॉन रूट 3 मीटर है और इसी तरह से ये वाली लेंथ भी हमारी 10 अपॉन रूट 3 मीटर। तो साइन रूल आप बड़े आराम से इस तरह से लगा सकते हो। कुछ अननोन स्लाइड्स को आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। एज सिंपल एज दैट, बहुत ही आसान सा काम है। अप्लीकेशंस ऑफ कोर्स हर चैप्टर में उनकी आती रहेंगी तो उनको लगातार देखते भी रहेंगे। जैसा साइन रूल है वैसा ही एक रूल और है जो भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और मेरे ख्याल से वो शायद साइन रूल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। दैट इज योर कोसाइन रूल ऑफ ए ट्रायंगल। कोसाइन रूल ऑफ ए ट्रायंगल क्या कहता है ये कोसाइन रूल ऑफ ट्रायंगल, अभी देखते हैं। अगेन मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा, एक छोटी सी एक डेरिवेशन है और हमारे लिए तो बिल्कुल ऐसे पीस ऑफ केक है तो अपन कर लेते हैं उसको। बाकी आप ये डेरिवेशंस वगैरह मैथ से ही पढ़ सकते हो बट बहुत ही आसान से इस लेवल में कर सकते हैं। कोसाइन रूल पहली बात तो किस काम आता है, सुनिएगा। ये ट्रायंगल ऐसे राइट एंगल होना जरूरी नहीं है। ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड बी है और इन दोनों के बीच का एंगल नॉन है। आपने देखा क्या क्या नॉन है। इस ट्रायंगल की साइड लेंथ ए नॉन है, ट्रायंगल की साइड बी नॉन है और इनके बीच का एंगल थीटा नॉन है। और हमें है ना ये जो थर्ड साइड है इसकी लेंथ निकालनी है। ऐसा कोई फॉर्मूला जो ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ और ये एंगल के बीच में रिलेशन दे, उस फॉर्मूले को हम कोसाइन रूल या कोसाइन रूल बोलते हैं। फिर ना तो चलिए एक छोटा सा एक काम देखिएगा। मैंने यहां पर एक परपेंडिकुलर खींच दिया, ठीक है। अगर आपके पास ये लेंथ ए है तो इस लेंथ को हम लिख सकते हैं ए कॉस थीटा और इस लेंथ को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं ए साइन थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं लिखने में भाई, बेस पता करना हो ये आपका हाइपोटेन्यूस, आप बड़े आराम से बोल सकते हो कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस इज ए इस छोटे वाले ट्रायंगल में, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू कॉस थीटा। ए ऊपर चला गया तो बेस की वैल्यू आ गई ए कॉस थीटा। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है आपके पास ए कॉस थीटा है, टोटल लेंथ तो बी थी आपके पास। इसी तरह से ये परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल का, आप कह सकते हो कि सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मस्ट बी इक्वल्स टू साइन थीटा। ए ऊपर चला गया तो परपेंडिकुलर वैल्यू आ गई ए साइन थीटा। तो ये लेंथ है ए कॉस थीटा, ये लेंथ है ए साइन थीटा, तो ये बची हुई लेंथ कितनी है। आई होप ये बची हुई लेंथ आ गई, बी में से ए कॉस थीटा को माइनस कर दिया तो बी माइनस ए कॉस थीटा। आई होप इट्स ओके। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये ए था तो ये ए कॉस थीटा हो गया, तो ये ए साइन थीटा हो गया। पूरी लेंथ बी थी तो ये लेंथ बी माइनस ए कॉस थीटा हो गई। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर एक बार आप पाइथागोरस लगाना और पाइथागोरस लगाते आप बोलोगे सर सी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और सॉल्व करते आके आप सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी कॉस थीटा। अब जरा देखिएगा ये जो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है
It can written as a square because we know that sin square theta plus cos square theta is 1. So it gives me a formula c square is equals to a square plus b square minus 2ab cos theta. ये हमारा cosine है, या फिर ऐसे बोल दूं कि सर c is basically root of a square plus b square minus 2ab का cos theta. ए और बी ट्राइंगल की दो साइड्स है, थीटा उन दोनों के बीच का एंगल है, थीटा उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल है, या कि थर्ड अननोन साइड है जिसकी हम लेंथ इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. आप ये भी समझ गए होंगे कि एक तरह से देखें तो ये हर एंगल के लिए वैलिड है. अगर मैं थीटा को 90 डिग्री रख दूंगा तो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिकॉज कॉस 90 कितना होता है 0, तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा. c square is equals to a square plus b square, तो हमारा simple Pythagoras theorem रहती भी है. लेकिन अगर angle 90 degree ना भी हुआ तब भी हमारा एक formula बिल्कुल बढ़िया तरीके से valid है. ये formula हमें याद रखना है, मैं इसके आगे remember लिख रहा हूँ, आप लोगों ये formula याद रखना चाहिए. मैं इस formula पे आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ. अगेन आप आराम से कीजिएगा. सवाल इस तरह से है, हमारे पास ट्राइंगल है ऐसे, ये लेंथ है 8, ये लेंथ है 10 और ये वाला एंगल है 53. ये अननोन लेंथ है, मैंने इसको x लिख दिया, फाइंड x. इसी तरह से एक और पूछ लेता हूं उसे, ये कोई ट्राइंगल है, ये लेंथ आपके पास 5 है, ये लेंथ आपके पास 4 है और ये वाला एंगल आपके पास 120 है. ये लेंथ अननोन है, फाइंड दिस लेंथ. दोनों ही सवाल ट्राई कीजिएगा. मैं आप एक बार वीडियो पॉज कर लें, फिर कोसाइन लॉ से ये सवाल ट्राई कर सकते हैं, और मैं तो अभी सवाल कर रहा हूँ, लेकिन आप एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कर लें. चलिए करते हैं. अब ये सवाल चीख चीख कह रहा है कि कोसाइन लॉ लगाना है. ये साइड की लेंथ पता है, ये साइड की लेंथ पता है, इनके बीच का एंगल भी पता है. दो साइड्स पता हो, उनके बीच का एंगल पता हो, तो सामने वाली साइड किससे आएगी? कोसाइन लॉ. तो लगा दीजिए कोसाइन लॉ. कोसाइन लॉ सेज दैट कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस माइनस 2 टाइम्स 8 इंटू 10 into cos of 53, that is x square is 64 plus 100 minus 2 times 8 into 10 into cos 53. I think cos 53 is 3/5. ये कितना हो गया? x square is equals to 164 minus I think 96 हो गया, जरा चेक कर लो. 164 में से जैसे 96 गया, आई थिंक इट कम्स आउट टू बी 68. सो x कम्स आउट टू बी रूट ऑफ 68. तो ये जो लेंथ है आपकी, ये आपकी रूट 68 आ गई है, ये आपकी रूट 68 आ गई है. इस वाले सवाल को करें. अगेन ये सवाल चीख चीख के कह रहा है कि क्या लगाना है? कोसाइन लॉ. साइड की लेंथ पता है, साइड की लेंथ पता है, उनके बीच का एंगल पता है, सामने वाले साइड पता करनी है. तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बेटा, क्या लिखोगे? 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 4 इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ 120. बेटा फिर से नहीं बोल रहा हूं कि कॉस 120 कैसे निकालते हैं. आई रियली होप कि आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी, हमने क्लास में कर रखा है. कॉस 120 वैल्यू होती है माइनस हाफ. तो हमारे पास दिस इज 25 प्लस 16 माइनस 2 टाइम्स 4 इंटू 5 इंटू माइनस हाफ. 2 से 2 कैंसिल किया, माइनस से माइनस कैंसिल आ गया. That is 25 plus 16 plus 20.
मेरे ख्याल से रूट 61 आ गया वो शब्द, एक्स इक्वल्स टू 25 और 20, 45, 45 एंड 6, 51, 51 एंड 10, दैट इज रूट 61। ये लेंथ हमारे पास आ गई है रूट 60, दिस इज योर रूट 60। आई होप आप समझ गए कैसे कोसाइन लो साइन लो यूज कर रहे हैं। हमने जो सवाल किए तो बहुत ही मैथमेटिकल थे, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि हमें फिजिक्स के अंदर मैथमेटिक्स से सवाल करने हैं। बहुत सारी फिजिकल सिचुएशंस ऐसी आ सकती हैं जिसके अंदर हमें इस तरह की ज्योमेट्री को सॉल्व करना पड़े, चाहे वो किसी भी चैप्टर में हो, इस तरह की ज्योमेट्रीज तो आई सकती हैं। सो आप इस बात के लिए प्रिपेयर्ड रहें कि इस तरह के साइन लो कोसाइन लो हमें बार बार करने पड़ेंगे। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे बढ़ते हैं।